हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ हॉल कोफिशिएंट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने हॉल वोल्टेज की इक्वेशन को डिराइव किया था, तो अगर आप उसे समझ चुके हैं तो इसे समझना काफ़ी आसान है। सो हॉल कोफिशिएंट हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस्ड हुआ है ड्यू टू अप्लाइड करंट डेंसिटी J एंड मैग्नेटिक फील्ड B। सो जो भी हम करंट अप्लाई करते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसकी वजह से कितना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है उसे मेजर करने का तरीका है हॉल कोफिशिएंट। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हॉल कोफिशिएंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस्ड ड्यू टू पर यूनिट करंट डेंसिटी एंड पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट देखे थे उसे यूज़ करके। सो देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हॉल कोफिशिएंट RH इज रेशियो ऑफ EH टू दी J इंटू बी। सो अब यहाँ पर हम EH को रिप्लेस कर सकते हैं। सो अगर आपको डायग्राम याद होगा कि हॉल कोफिशिएंट में मैंने आपको डायग्राम बताया था, और उस समय मैंने आपको बताया था कि जो EH होता है EH इज इक्वल टू VH बाई D। ओके, सो आई थिंक आप सबको डायग्राम याद ही होगा कि जो एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल इंड्यूस हो रहा था उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो था D, और ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था इसे हम कह रहे थे VH यानी हॉल वोल्टेज, और EH की फॉर्मूला होगी VH बाई D। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा RH इक्वल्स टू VH अपॉन जे बी डी। सो ये रहा सेकेंड फॉर्म ऑफ हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, सो आप मेन फॉर्मूले को यानी मेन डेफिनेशन से जो फॉर्मूला आता है उसे याद रखिए एंड नीड के हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अब फ्रेंड्स इसे और भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, अब इसे लिख सकते हैं वी एच अपॉन जे क्या होता है आई अपॉन ए करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला देन इंटू बी डी। अब नाउ दिस इज इक्वल टू वी एच डिवाइडेड बाय आई अपॉन ए। अगर आपको याद हो ये जब हमने आपको बताया था कि ये जो विड्थ है ये W है और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसी को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो A का फॉर्मूला क्या होगा, W इंटू डी। जो भी टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि D क्या है और W एग्जैक्टली क्या है। सो इंटू बी इंटू डी, तो आप देखेंगे डी और डी भी कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा वी एच एंड ये W न्यूमिरेटर में चला आएगा डिवाइडेड बाय आई बी। एंड एक और मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे फ्रेंड्स कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं वी एच इंटू वन अपॉन बी जे डी। ठीक है, तो मैंने वी एच को अलग कर दिया। अब वी एच का फॉर्मूला अगर आपको याद हो हमने प्रूव किया था वी एच इज बी जे डी डिवाइड बाई एन क्यू। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ देन आई विल गेट बी जे डी अपॉन एन क्यू इंटू वन अपॉन बी जे डी। ठीक है, तो मैंने वी एच की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो आप देखेंगे बी जे डी एंड बी जे डी कैंसिल हो जाएगा एंड क्या बचेगा वन अपॉन एन क्यू। तो ये वाला आप याद रखिए कि आर एच इज इक्वल टू वन अपॉन एन क्यू, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, सो आर एच इज वन अपॉन एन क्यू एंड एन क्यू को हम कैरियर डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ टर्म्स दिखाऊंगा जिसे हम हॉल इफेक्ट के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।